तो आज था संडे का दिन, होली के एक दिन पहले, जिस दिन होलिका जलने वाली थी। और आज था श्री गणेश इवेंट का होली इवेंट जो हो रहा था भाटागांव वाटर वर्ल्ड में। तो हम लोग फिलहाल यहाँ आ गए थे माहौल देखने की कैसा होने वाला है। तो अभी फिलहाल मॉर्निंग थी और आ गए थे, तो इस तरह का डेकोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा डीजे सेटअप। और यहाँ पे पूल भी पूरा साफ होके यहाँ पे स्टार्ट होने के लिए तैयार था। तो हम लोगों ने एक बार चेक किया और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे गुलाल धीरे धीरे उड़ना चालू होगा। आप देखिएगा अभी यहाँ पे लोग अभी आने स्टार्ट थे, यहाँ पे साउंड टेस्ट और बाकी सब चीज़ें टेस्ट कर रहे थे। इवेंट अभी स्टार्ट हो गया और इस इवेंट का माहौल देखना जोरदार, क्योंकि रायपुर में इससे ज़्यादा क्राउड कहीं भी नहीं आती। तो होली इवेंट आप देखो, श्री गणेश इवेंट यहाँ पे करवाती है हर साल, तो सीजन 6 यहाँ पे रहने वाला है। और मिलते हैं फिर आगे वीडियो में पूजा कर। आप रे पूरा गुलाली गुलाल और इस लेवल का गुलाल यहाँ पे उड़ रहा है, होली इवेंट जोरदार हो रहा है। तो देख सकते हो आप पूरा इवेंट। अरे पानी रे इधर का भाई, रायपुर के होली के हर इवेंट में डीजे वाले भाइयों का यही हाल रहता है कि बेचारे क्राउड से परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी होली इवेंट्स इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। यहाँ के इवेंट की खास बात यह है कि यहाँ पे स्लाइड्स भी आपको एंजॉय करने मिल जाएंगे, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं स्लाइड्स के ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे एंजॉयमेंट और क्राउड यहाँ पे था। और ये स्लाइड्स के साथ एंजॉय करते हुए आप पूल पार्टी टाइप का एंजॉय भी कर सकते थे। तो फाइनली ये गाना, जिस गाने के बगैर हर होली इवेंट यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहता है। तो पूरा होली इवेंट यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम लोग फाइनली निकलने लगे और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एग्जिट श्री गणेश इवेंट का। ये इवेंट भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था और बड़ी क्राउड आई थी और यहाँ पे 1200-1300 की क्राउड थी। आप देख चुके होंगे कि क्राउड किस लेवल का था, जानवी में काफी ज्यादा। तो चलते हैं, अपन खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, और कुछ भी रहेगा तो अपन देते हैं अपडेट। अपने चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं। तो आपकी क्या राय है इस होली इवेंट के बारे में, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट होली इवेंट पे आप आ रहे हैं कि नहीं वो भी बताइएगा।